दोस्तों कल्कि के डे 5 का डाटा आ चुका है, क्या कुछ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ डे 5 के दिन, ये आपके साथ डिस्कस करने वाले, अपडेट देने वाले आपको। और बाकी 4 दिन का और डाटा आ ही चुका है और मैंने इस पर भी आपको वीडियो बना ही दिया डे 1 से लेकर डे 4 के दिन तक का। तो ये वाला वीडियो आप नहीं देखे तो चैनल पर जरूर जाकर देखिए, विजिट करिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो पब्लिक ने ऑक्युपेंसी दिया इस मूवी को, 30-35% का जो पब्लिक ऑक्युपेंसी हिंदी वर्जन का, और सारे लैंग्वेज को मिलाकर तमिल तेलुगु मलयालम कनाडा सारे लैंग्वेज को मिलाकर हिंदी 54.6% का पब्लिक ऑक्युपेंसी इसको मिला है, जो कि बहुत बड़ा यूज अमाउंट में नंबर है। ये मंडे का समय का दिन का मतलब आज का ये बताया जा रहा है, जो कि बहुत सारी मूवी तो टिकती भी नहीं है, बहुत कम कलेक्शन करती है, 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे करती है। लेकिन इस मूवी ने डे 5 के दिन भी, वीकेंड के दिन भी ये लगातार मूवी हिट कर रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आदि पुरुष मूवी आई थी उसके बाद फेलियर होने के बाद प्रभास फिर से एक बार कमबैक किए हैं, तो ये अपने आप में उनके लिए अच्छा बात है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान नाग अश्विन का भी है, क्योंकि उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया और वैसा प्रभास को निखारा, तो प्रभास आज चल रहे हैं। तो दोस्तों एक बात जरूर याद रखना चाहिए नाग अश्विन को, क्योंकि नाग अश्विन ने ही इस मूवी को बनाया है, तो नाग अश्विन को जरूर इसे याद रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो डे 5 के दिन जो कलेक्शन हुआ है वो 28.31 करोड़ डे 5 के दिन इसका कलेक्शन हुआ है अभी तक का ही डाटा है, और अभी और थोड़ा डाटा आना बाकी है, तो इसका जो नंबर बढ़ सकता है 35 करोड़ के करीब ये नंबर बढ़ सकता है। ये रात 10, 11 या 12 बजे के बीच ये डाटा आएगा, तो 35 करोड़ तक का ये आंकड़ा हो सकता है। और मैं ये अपडेट आपको सुबह में दूंगा, जब मैं एडवांस बुकिंग का जब इसका कलेक्शन बताऊंगा उस समय मैं आपको अपग्रेड कर दूंगा ये डाटा। लेकिन हाँ, जो ये डाटा रहने वाला है 35 करोड़ का, लास्ट फाइनल प्रिडिक्शन इसका डे 5 के दिन होने वाला है, और अभी तक का जो इसका कलेक्शन है रात 10 बजे तक का 28 करोड़ 31 लाख डे 5 के दिन। और इसमें हिंदी का जो होने वाला अकेले 17-18 करोड़ हिंदी का कलेक्शन होने वाला है, जो कि हिंदी में बहुत बड़ा बात है। हिंदी में ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हिंदी में एक हवा बनाया जाता है। बॉलीवुड में एक इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू मिल रहा था, नेगेटिव बोल रहे थे इस मूवी को, क्योंकि आदि पुरुष तो आई तो फेलियर हो गए, हमारे धर्म को मजाक बनाया गया, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसको ही मजाक बनाना बॉलीवुड का फितरत हो गया है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से, जब से लॉकडाउन आई है तब से बॉलीवुड का क्या स्थिति हुआ है, बॉलीवुड कहीं की नहीं रही, उनका मूवी पिट रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपने देखा होगा बॉलीवुड कितना ज़्यादा मतलब अभी नीचे चली गई है लॉकडाउन से। और जो तमिल इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री है, इसको कौन जानता था आज से 10 साल 5 साल 6 साल पहले, इसको कोई नहीं जानता था, मैं खुद नहीं जानता था इस इंडस्ट्री को। सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ पर एक मूवी बनाती थी, एक छोटा सा, वो देखते थे और इंटरटेन होते थे, लेकिन हाँ इससे बड़ा ये नहीं जा पाती थी। लेकिन SS राजामौली ने जब बाहुबली बनाया तब से ये इंडस्ट्री को लोग जानने लगा, और वहाँ से संघर्ष करके ये इंडस्ट्री आई है, तो क्यों ना ये इतना ज़्यादा कलेक्शन करे, इसमें मेहनत लगा। और ये बॉलीवुड के तरह अपने मतलब हिंदू धर्म को मजाक नहीं बनाती, अपने धर्म के ऊपर अच्छा दिखाती है, अच्छा बनाती है, तो इसी से ये आगे बढ़ रही है, अपने धर्म को सर्वोपरि रखती है इसीलिए। तो दोस्तों इसका जो डे 1 के दिन शो था 23,600 डे 1 के दिन शो था, और डे 2 से लेकर 4 के दिन इसका जो शो था 20,800, जो कि कम हुआ है और कम स्क्रीन इसको मिला है डे 2 से लेकर 4 तक के बीच में, और डे 1 में स्क्रीन ज़्यादा मिला था 3-4 हज़ार। तो ये डे 1 से ही इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू दिया जा रहा है, क्योंकि डे 1 में इसको नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलता तो ये मूवी 100-120 करोड़ कमा सकती थी, क्योंकि इसने डे 1 में 95 करोड़ कमाया था, तो ये 100 का आंकड़ा भी पार कर सकती थी इसीलिए, क्योंकि इसको नेगेटिव रिव्यू मिला इसीलिए इसका कलेक्शन कम हुआ उस दिन, हिंदी ऑडियंस कम निकली, कम देखी मूवी को। तो दोस्तों इसका जो टोटल इसका जो टिकट बुक हुआ है बुक माई शो पे, अभी तक का जो टिकट हुआ है बुक, वो 33,008 टिकट बुक हुए हैं बुक माई शो पे। और ये जो आंकड़ा है ये अभी का है, अभी का ये टिकट बुक हुआ है पिछले 1 घंटे में, तो अभी इतने लोग मूवी देखने जाएंगे तो अभी और इसका कलेक्शन बढ़ेगा, वही कलेक्शन अभी आना बाकी है, ये 12-1 बजे के बीच आ सकता है कलेक्शन, क्योंकि बड़े बड़े शहर में लोग जाते हैं 12-11 बजे फैमिली के साथ एंजॉय करने, क्योंकि वहाँ ऑफिस रहती है, छुट्टी नहीं रहती है, तो फैमिली एकत्रित होते हैं फिर जाते हैं देखने। तो ये मुंबई दिल्ली बड़े बड़े शहर ग्रेटर नोएडा ये सब शहर में लोग जाते हैं देखने, तो ये अभी उसी का टिकट अभी बुक माई शो पे दिखा रहा है 33,000। तो 33,000 ये जितना लोग जाएंगे तो ये अभी कलेक्शन आएगा ही,
तो इसका ही डाटा अभी आना बाकी है और कुछ नहीं। तो दोस्तों इसका जो तमिल का 2D का ऑक्यूपेंसी है वो 31.68% है और जो 3D का तमिल का ही है 39.42% ऑक्यूपेंसी है और ये तेलुगु का ऑक्यूपेंसी 2D का 85.15% का है जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस मूवी का जो मैं आज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बता दूं वो 555 करोड़ है और ये मैं डाटा अपने से नहीं बोल रहा हूँ, विजयनाथी नेटवर्क है जो यूट्यूब चैनल जहाँ से इस मूवी का कल्कि का ट्रेलर टीजर सब चीज़ आया था, सॉन्ग भी आ रहा है, वहाँ इस मूवी ने पोस्टर जारी किया है जो कि बोला जाता है कि ये जो नागाश्विन का है वो ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल है ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ से ये पोस्टर जारी किया गया था लगभग शाम के 6 बजे 6:30 बजे करीब। तो ये पोस्टर मैं आपको यहाँ दे दूंगा, आप देख सकते हैं ये पोस्टर विजयनाथी मूवी ने जारी किया है नेटवर्क ने। तो दोस्तों ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 555 करोड़ ये भी बढ़ सकता है क्योंकि मैंने जैसा अभी भी बोला 33,000 टिकट बुक हुआ है तो लोग जाएंगे देखने, तो ऑब्वियसली बात है कि टिकट जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो और बढ़ेगा बाकी देश में भी विदेश में भी। तो ये 581.5 करोड़ बढ़ सकता है, 581 करोड़ ये अभी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो सकता है क्योंकि अभी है जो 55 करोड़ है 555 करोड़, तो ये अभी 581 करोड़ ये हो सकता है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। और मैं ये भी अपडेट आपको सुबह में दूंगा दोस्तों। और इसी के साथ जो इंडिया का टोटल कलेक्शन हो गया है डे 5 तक का वो 335 करोड़ 31 लाख का इंडिया का डे 5 तक का टोटल कलेक्शन हो गया है। मैंने ये आपको सारा डाटा बताया डे 5 तक का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं किसी अच्छे नए वीडियो के साथ। जय हिंद वंदे मातरम, जय श्री राम।